सेंटा क्लॉज एक ऐसा नाम है जो बचपन से ही हम सुनते आए हैं और बहुत पसंद भी करते आए हैं। हमारे बड़ों के मुंह से हम यही सुना करते थे कि सेंटा क्लॉज आएंगे और हमारे लिए ढेरों गिफ्ट छोड़कर जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को तो गिफ्ट मिला भी करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता स्वयं सेंटा क्लॉज बनकर उन्हें गिफ्ट दे दिया करते हैं। और उन बच्चों को लगता था कि गिफ्ट सेंटा क्लॉज ही छोड़कर गए हैं और वे बहुत खुश भी हो जाते थे। दोस्तों, हर साल गिफ्ट की उम्मीद में हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस को लेकर एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्रिसमस में आने वाले सेंटा क्लॉज की। जिसे हम सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम सेंट निकलस या क्रिस क्रिंगल है। यदि आज की बात की जाए तो सेंटा क्लॉज की एक खुश मिजाज छवि है। एक मोटा सा बुजुर्ग आदमी जो लाल सफेद कपड़ों में आता है और उनकी दाढ़ी और बाल लंबे लंबे सफेद रंग की होती है, और वो प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बैग लाते हैं जिसमें ढेर सारे गिफ्ट्स होते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी छुपी है। ये कहानी क्या है? सेंटा क्लॉज फादर क्रिसमस कैसे बने, और सेंटा क्लॉज की उम्र क्या है? वो कहाँ रहते हैं? उनका ऑफिशियल एड्रेस क्या है? उनके परिवार में कौन कौन रहता है? इन्हीं सभी बातों को आज हम हमारे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे ये क्रिसमस स्पेशल वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। माना जाता है कि सेंटा का घर उत्तरी ध्रुव में है और वे उड़ने वाले रेंडियर्स की गाड़ी पर चलना पसंद करते हैं। सेंटा का यह आधुनिक रूप 19वीं सदी से अस्तित्व में आया है, उसके पहले ऐसे वो नहीं थे। आज से 1500 साल पहले जन्मे सेंट निकलस को असली सेंटा का जनक माना जाता है। आज के समय में सेंटा क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा है। उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। सेंट निकलस का जन्म 3री सदी में जीसस के मौत के 280 साल बाद मायरा गांव में हुआ था। वे एक रईस परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। बचपन से ही उनकी प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी बने और उसके बाद वे बिशप भी बने। उन्हें जरूरतमंदों की और बच्चों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर जरूरतमंद बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। सेंट निकलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसी कारण उस समय बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता था। आज भी कई जगह ऐसा ही होता है। अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते हैं तो उनके सेंटा अंकल उन्हें उपहार देने नहीं आते हैं। एक लोक कथा के अनुसार सेंटा पूरी दुनिया के बच्चों की एक लिस्ट तैयार करते हैं। जो बच्चे अच्छे होते हैं उन्हें तोहफे में खिलौने और कैंडीज दिया जाता है, और जो बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं उन्हें खिलौने की जगह पे कोयला दिया जाता है। सेंटा के सभी खिलौने उन्हीं के वर्कशॉप में बनाए जाते हैं, जिसमें हजारों बहुने खिलौने बनाने में सहायता करते हैं। ये बहुने पूरे साल भर खिलौने बनाने का काम दिन रात करते हैं, जिससे सारी धरती पर एक भी बच्चा क्रिसमस के दिन बिना खिलौनों के ना रहे। सेंटा क्लॉज हर क्रिसमस की रात को एक सेकंड में लगभग 5000 बच्चों को खिलौने देते हैं, और ये काम वो तब करते हैं जब सारे लोग गहरी नींद में सो रहे हो। ये काम वो सारी रात करते हैं ताकि धरती के सारे बच्चों को खिलौने मिल सके। माना जाता है सेंटा क्लॉज का जन्म 6 दिसंबर 270 ईस्वी में हुआ है, यानी आज के वर्ष 2020 में उनकी उम्र 1749 साल है। आज भी ऐसा कहा जाता है कि सेंटा अपनी वाइफ और बहुत सारे बहनों के साथ उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल में रहते हैं। आज विश्व भर में सेंटा के कई सारे पते हैं जहां बच्चे अपने खत भेजते हैं, लेकिन उनके फिनलैंड वाले पते पर सबसे ज्यादा खत भेजे जाते हैं। इस पते पर भेजे गए प्रत्येक खत का लोगों को जवाब भी मिलता है। दोस्तों, आप भी अपना खत सेंटा को इस पते पर भेज सकते हैं। मैं स्क्रीन में ये पता डाल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक पता लिख सकते हैं। क्या पता आपको भी अपने खत का जवाब मिल जाए। सेंट निकलस के जीवन की कई सारी कहानियां ऐसी है जो बेहद चर्चित है, जिनमें उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद की है और उन्हें रातों रात मालाबाल भी कर दिया है। एक ऐसी ही मशहूर कहानी है एक गरीब व्यक्ति की, जिसकी 3 बेटियां थी। वह व्यक्ति इतना गरीब था कि वह अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन भी देने में असमर्थ था। ऐसे में वह उनकी शादियों के लिए चिंतित था। उसके पास खाने के लिए भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। जैसे ही ये बात सेंटा क्लॉज को पता चली,
तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों के घर में उनके मोजों के अंदर चुपचाप से सोने के सिक्के से भरी एक थैली रख दी। दूसरे दिन जब उन लड़कियों ने अपने मोजे खोलकर देखे तो उनको वो सोने के सिक्के मिले तो बहुत खुश हो गए। उसके बाद उनकी गरीबी खत्म हो गई और उसके बाद उस गरीब इंसान ने खुशी खुशी से अपनी बेटियों की शादी भी कर दी और उन्हें सुखी जीवन भी प्रदान किया। कहते हैं कि उस दिन की घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात बच्चे इसी उम्मीद से मोजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनमें उनके मनपसंद खिलौने मिलेंगे। फ्रांस में तो चिमनी पर लाल रंग के जूते लटकाए जाते हैं जिसमें सांता आकर गिफ्ट डालते हैं। ऐसी प्रथा वर्षों से चली आई है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है जब सांता के सारे खिलौने बांटने का काम पूरा हो जाता है तो वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर अपनी पत्नी मिसेस क्लॉस के साथ कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने इंडिया के दार्जिलिंग शहर में, जो कि उनका सबसे बड़ा हॉलीडे पॉइंट है, वहां जाते हैं। सांता क्लॉस हर साल यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मनाने और आराम करने आते हैं। उन्हें यहाँ की खूबसूरती बहुत पसंद है और यहाँ के लोग भी। छुट्टियां खत्म होने के बाद फिर से वह अपने काम में जुट जाते हैं। वे अच्छे और शरारती बच्चों की अलग अलग लिस्ट तैयार करते हैं और फिर अगले क्रिसमस की तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को सांता क्लॉस की जानकारी कैसी लगी, अपने विचार हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे ये क्रिसमस स्पेशल वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। क्रिसमस के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को हमारे अमेजिंग अर्थ चैनल की ओर से मेरी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त माही आपसे इजाजत लेता हूँ। जल्द ही मिलेंगे हमारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।